पीयूव्रत कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक है। ताजिकिस्तान के बारे में रिसेंटली मैंने आपके लिए एक वीडियो लाया था। ताजिकिस्तान को क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, तो पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज बन चुकी है ताजिकिस्तान के बारे में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में। तो ताजिकिस्तान को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ। तो आज का टॉपिक में मैं आपको बात करूंगा कि ताजिकिस्तान से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। तो ताजिकिस्तान से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो ताजिकिस्तान के बारे में जो बताया था, ताजिकिस्तान का जो करेंसी का नाम है ताजिकी सोमन, ताजिकी सोमन 7 times हायर है इंडियन रुपीज़ में। तो 1 ताजिकी सोमन इंडियन रुपीज़ में आज के तारीख में 7.60 मिलेगा, 7.60 रुपया मिलेगा ताजिकी सोमन ही। तो ताजिकिस्तान को आप लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट्स को आप सोर्स करके भारत से ताजिकिस्तान को एक्सपोर्ट करोगे, पुराने वीडियो में, मेरा लास्ट वीडियो में आप देखे होंगे। तो आज का वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा ताजिकिस्तान से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे आपको बताया था, ताजिकिस्तान एक सोवियत यूनियन कंट्री है, पहले USSR में था, सोवियत यूनियन में था, 1991 में अलग हो गया, रशिया से अलग हो गया, अभी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और आज के दिन भी ताजिकिस्तान का सेकेंड लैंग्वेज है रशियन लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है ताजिकी लैंग्वेज है। यहाँ का लोग ज़्यादा करके रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको रशिया का एनर्जी, रशिया का फाइनेंस के ऊपर, और यहाँ का लोग ज़्यादा से ज़्यादा रशिया में जाकर काम करते हैं, क्योंकि ताजिकिस्तान में इतना जॉब नहीं है और इतना इकोनॉमिक कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि 1991 के बाद काफ़ी टाइम वार झेलना पड़ा, युद्ध में झेलना पड़ा देश को, तो उनका इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गया था, इसीलिए ये लोग जाकर रशिया में काम करते हैं। तो इसलिए काफ़ी हद तक ये रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, जॉब के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज है रशियन लैंग्वेज, और यहाँ से अगर आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना है आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं आगे आपको कुछ ताजिकिस्तान का इम्पोर्टेंट वेबसाइट दिखाऊंगा। उस वेबसाइट में आपको जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करके आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करना पड़ेगा। ऑल्सो अगर आपको रशियन लैंग्वेज आता है, आपको इंग्लिश टू रशियन में ट्रांसलेट करके इसी साइट में एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो www.google.translate.google.com में आप जाकर इंग्लिश टू ताजिकी लैंग्वेज को इंग्लिश टू रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आगे साइट में पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। translate.com www.translate.google.com ये जो ट्रांसलेशन साइट है गूगल का, तो इसमें इंग्लिश टू रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपका पोस्ट को, आपका एडवर्टाइजमेंट को इसी ताजिकिस्तान का साइट पे आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। तो आगे आपको दिखा रहा हूँ। ऑल्सो अगर आपके पास बजट है, तो ताजिकिस्तान का जितने सारे न्यूज़पेपर है वहाँ का ताजिकी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर है, रशियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर आपके पास बजट है इन्हीं न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट करना है कि आप एक इंडिया से, आप इंडियन एक्सपोर्टर हो और आप ताजिकिस्तान को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ताजिकिस्तान से आप डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हो, तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स का ज़रूरत है या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ताजिकिस्तान का बायर्स का ज़रूरत है, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आपको ताजिकिस्तान से काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे, इंपोर्टर्स मिल जाएंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे तो अच्छा है। डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बिजनेस करते हैं, आपको कुछ पैसा वो डिपॉजिट देंगे और आपका एक्सक्लूसिवली आपका प्रोडक्ट ही मंगाएंगे और पूरे देश में उसको सेल करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स।
तो अगर आप एक्सपोर्ट कोई देश को एक्सपोर्ट करते हो, अगर आपका प्रोडक्ट्स ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, तो आप उस देश में एक्सपोर्ट के साथ साथ वहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेगा तो आपका प्रोडक्ट को वो खुद इम्पोर्ट करेगा, वहाँ मार्केट करके वहाँ सेल करेगा, और ऑल्सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको ब्रांडेड बनाकर, ब्रांड बनाकर सेल करोगे तो एक्सपोर्ट करोगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दीजिए, न्यूज़पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन में ताजिकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट दीजिए, और ताजिकिस्तान में यूट्यूब के साथ साथ RuTube.ru, रशिया का RuTube.ru दिखा जाता है यूट्यूब में, यूट्यूब के साथ साथ रशिया का RuTube.ru दिखा जाता है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, हम लोग इंडिया में, अमेरिका में, यूरोप में यूट्यूब देखते हैं, लेकिन इन रशिया एंड रशियन स्पीकिंग कंट्री में ज़्यादा करके वो लोग देखते हैं RuTube.ru, रशिया का यूट्यूब है RuTube.ru। तो RuTube में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो रशियन लैंग्वेज में या ताजिकी लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, और आप रशियन लैंग्वेज में, और वहाँ का जो गूगल चलता है, गूगल जो सर्च इंजन ताजिकिस्तान में चलता है, लेकिन आप वहाँ का Yandex.ru, रशिया का गूगल है सर्च इंजन, रशिया का Yandex.ru ज़्यादा चलता है ताजिकिस्तान में। तो Yandex.ru में और google.com.tz ताजिकिस्तान का गूगल है, ताजिकिस्तान का गूगल में Yandex.ru में, दोनों में आपको आपका कंपनी को रजिस्टर करके पोस्ट करने का, रजिस्टर करके ऐड करना है, ताकि ताजिकिस्तान का जो इम्पोर्टर्स बायर्स है Yandex.ru में और गूगल ताजिकिस्तान का गूगल में जब सर्च करेंगे तो उनको दिखाई देगा, आपका कंपनी दिखाई देगा। ठीक है, तो गूगल ताजिकिस्तान, ताजिक गूगल, गूगल ताजिकिस्तान एंड Yandex.ru में आपका कंपनी को सबमिट करना है, रजिस्टर करना है। ऑल्सो आपका वेबसाइट को गूगल के जरिए, आपका वेबसाइट को गूगल के जरिए ताजिकिस्तान को टारगेट करके आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। एडवर्टाइजमेंट करोगे तो गूगल ताजिकिस्तान का लोगों को आपका वेबसाइट दिखाई देगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए से आपका साइट उनको दिखाई देगा, फिर उसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, आपका प्रोडक्ट देखेंगे, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में जो चार इम्पोर्टेंट सोशल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, ये चारों साइट में आप टारगेट करिए, ताजिकिस्तान को टारगेट करके रशियन या ताजिकी लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट करके इस चार कंट्री को टारगेट करने के बाद ये चार साइट में ताजिकिस्तान लोग इन चार साइट में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को देखेंगे एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद गूगल सर्च, गूगल एड, गूगल सर्च, गूगल एड में ताजिकिस्तान को टारगेट करके आप प्रमोट करोगे तो, आपका कंपनी का वेबसाइट को प्रमोट करोगे तो ताजिकिस्तान का, ताजिकिस्तान से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। और क्या तरीका हो सकता है, आप ताजिकिस्तान का राजधानी दुशांबे में पूरे साल होता है एक्सपो होता है, अलग अलग प्रोडक्ट का एक्सपो होता है, तो आप ताजिकिस्तान का जो एक्सपो होगा वहाँ पर डेट चेक करके वहाँ पर जाकर आप आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर वहाँ का एक्सपो में भाग लीजिए। एक्सपो में भाग लोगे तो फिर वहाँ से आपको ताजिकिस्तान के साथ साथ ताजिकिस्तान का नेबरिंग कंट्री से भी बायर्स आते हैं, फिर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ताजिकिस्तान से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। ऑल्सो बड़े बड़े कंपनी, ताजिकिस्तान का जो बड़े बड़े कंपनी रशिया का राजधानी मॉस्को जाते हैं, मॉस्को में पूरा साल एक्सपो होता रहता है, तो उस मॉस्को का एक्सपो में अगर आप भाग लोगे तो ताजिकिस्तान के साथ साथ रशिया एंड अदर रशिया का नेबरिंग कंट्री से भी आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीका है, और लास्ट तरीका है, अगर आपके पास ज़्यादा बजट है ताजिकिस्तान जाइए, एक महीने का वीज़ा मिलेगा, ताजिकिस्तान में दुशांबे में रुकिए, दुशांबे में रुकने के बाद कोई ट्रांसलेटर ले लीजिए वहाँ का, लोकल ट्रांसलेटर, क्योंकि ताजिकिस्तान लोगों को इंग्लिश इतना नहीं आता है, तो ताजिकी पर्सन, ताजिकी आदमी को ले लीजिए आपके साथ ट्रांसलेटर के हिसाब से, जिसको ताजिकी आता है, जिसको रशियन आता है, फिर वहाँ पर अलग अलग कंपनी को, अलग अलग शॉपिंग मॉल, अलग अलग जैसा कि एस्टेब्लिशमेंट कंपनी को जाकर आपका कंपनी प्रोफाइल देकर आप बातचीत कर लीजिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में, और आप जाने के टाइम पे आप आपका बिजनेस कार्ड, आपका कंपनी प्रोफाइल को रशियन लैंग्वेज में, इंग्लिश एंड रशियन लैंग्वेज में बना के लेके जाइए हार्ड कॉपीज, ताकि वहाँ का जो कंपनी को दे सके फिर वो फ्यूचर में आपको कॉन्टैक्ट कर सके। और अगर ज़्यादा बजट है आपके पास तो ताजिकिस्तान का दुशांबे में आप आपका खुद का शॉप, खुद का दुकान या खुद का वेयर हाउस खोल सकते हो, फिर वहाँ का लोकल लोगों को, लोकल मार्केटिंग टीम को अपॉइंटमेंट देकर वो आपके लिए, वो लोग आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, फिर आप इंडिया से डायरेक्ट उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो।
आशा करता हूँ हमारे टॉपिक आपको अच्छा लगा ताजिकिस्तान के बारे में। तो ताजिकिस्तान में अगर आप जाकर मार्केटिंग करना है या ताजिकिस्तान में आपका खुद का बिजनेस सेटअप करना है, ताजिकिस्तान में जाकर एक्सपो में भाग लेना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा कंपनी आपको मदद करेगा, मैं आपको मदद करूँगा कैसे ताजिकिस्तान में जाकर कंपनी सेटअप करोगे, ताजिकिस्तान में एक्सपोर्ट का मार्केटिंग करोगे या ताजिकिस्तान में एक्सपो में भाग लोगे, मैं आपको मदद करूँगा। ऑल्सो ताजिकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग के लिए और वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए एक्सपोर्ट का मार्केटिंग करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।